गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है सब छुमंतर हो जाए। आज आपको एक रेमेडी देना चाहती हूँ, सुनना चाहोगे? कभी कभी मैं वास्तु टेप, कभी रेमेडीज देती हूँ। ये क्या है? वॉलेट पर्स। ये जी सोफिया जी, आपने दिया था मुझे, आपको याद होगा अगर वीडियो देखोगे। ये मुझे असम से सोफिया जी ने भेजा था, मैं इसको यूज़ करती हूँ। सोफिया जी देखो, आज मैं आपको पर्स की रेमेडी देने वाली हूँ। पर्स में आपको पैसे कैसे रखने हैं, आप सब लोग रखते हैं लेकिन कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, तो अगर किसी को है तो वो मैं बस शेयर करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ आप कैसे रखते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, फिर मैं और भी गलतियाँ बताऊँगी। सबसे पहले तो जो भी आपका पर्स होना चाहिए नीट एंड क्लीन, वो तो सबसे पहली बात है। उसको टिश्यू से साफ भी करना है, अंदर से भी साफ करना है। अब बताती हूँ आपके पर्स के अंदर जैसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है? मेरे कार्ड वाले जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका अलग पर्स है, वो भी दिखाती हूँ आपको, वो अलग है। ये मैं पैसों आजकल तो खैर पैसे रखते ही नहीं जी, कोल सब जी पे, लेकिन हमको नहीं जमता, हमको जब तक तो पैसे ना हो ना मज़ा नहीं आता। देखो जी, एक ये मेरा होता है जिसके अंदर मैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ये सब चीज़ें रखती हूँ, ऑफिशियल जो चीज़ें होती हैं। तो एक रखती हूँ जो पर्स, आपको इसको पर्स को कैसे रखना है जी। देखो जी, आपका जो भी पर्स हो ना उसमें पार्ट होने चाहिए। देखो जी, चिल्लर अलग रखना चाहिए, चिल्लर को कभी भी नोटों के साथ में नहीं रखना है। फर्स्ट बात सबसे पहले सुनिए, देखिए जी, जैसे नोट को अलग, चिल्लर गिरता है इसलिए चेन वाले पार्ट में होना चाहिए, सब चिल्लर इधर एक जगह पे। मैं ऐसे रखती हूँ, दो जगह नोटों की होती है, वहाँ पे ऐसे नोट, ऐसे कुछ भी। और एक चीज़ जो कंपलसरी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास सालों से जी, मैं आसपास जुड़ी हुई इंसान हूँ, मुझे बहुत बहुत गॉड पे भरोसा है। ये देखो जी, ये मेरे साईं बाबा, देखो मैंने इस कागज़ में लपेट के रखे हुए हैं, बहुत पुरानी फोटो है, अभी से नहीं कम से कम इसको 15-20 साल हो गए होंगे, बट मैं इसको फ्रेम भी नहीं कराती, कुछ नहीं करती, ताकि ये ऐसे मेरे पर्स में पड़े रहें। मैं पिल्लों के नीचे भी कभी कभी रख देती हूँ, वो चादर बदलते हैं इधर हिल जाते हैं, इसलिए मैं पर्स में रखती हूँ। ऐसे कोई भी भगवान आप मानते हैं, जिनको भी मानते हैं गॉड, उनको रखिए। ये चीज़ें मैं लाइव में भी बता दूंगी, बट मैं वीडियो भी बना रही हूँ आप सबके लिए। तो ऐसे कोई भी गॉड को जो मानते हैं उनको अपने पर्स में ज़रूर रखिए, ठीक है जी। पैसे नोट अलग, जो चेंज है वो अलग, और एक भगवान जी की फ़ोटो। पर्स शुड बी नीट एंड क्लीन। पर्स में फालतू कागज़ चीज़ें, आपको बिल रखने हैं, चीज़ें रखनी है, बहुत सारा सामान रखना है, तो एक अलग पॉकेट में रखिए। मैं भी रखती हूँ, बिल संभालती हूँ, तो एक अलग पॉकेट उसमें डालती जाती हूँ, जब उसका यूज़ नहीं है तो फेंक दो, चाहिए तो फाइल में लगा दो, अलग रखो, ठीक है। तो पर्स हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, चिल्लर अलग होना चाहिए, भगवान की फ़ोटो होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे ज़रूरी बात, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, जिन जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं चाहती हूँ हर चीज़ से आपको रूबरू कराऊं, जो मुझे ज्ञान है मैं आपकी हेल्प करूं, ठीक है। ये एक प्यार होता है जी। और दूसरी चीज, आपको पर्स में क्या रखनी है, देखो जी मैंने भी रखी हुई है, आपको दिखाती हूँ, कहाँ गई जी, देखो जी, देखो जी, ये रखी हुई है हल्दी की गांठ। आपको अपने पर्स में हल्दी की गांठ जरूर रखनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन मुझे पता है इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपकी हल्दी एक शुभ मानी गई है, हर पूजा में हर जगह मानी जाती है, और ऐसा हमारे शास्त्रों में या पंडित लोग ऐसे बोलते हैं या वास्तु में माना जाता है कि हल्दी रखने से आपके पर्स में बरकत रहती है, आपके पैसे आते हैं, भले आप इंसान को खर्चने वाला खर्च भी करोगे। जैसे मैं हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं रखती, मैं सब देना लेना, दान पुण्य जो भी है, मतलब मैं ऐसी फील वाली नहीं हूँ कि एक रुपया भी बचाना है। मैं सोचती हूँ कोई गल नहीं, आज का दिन निकला है, दूसरे के चेहरे पर हंसी दो, नहीं चाहिए पैसे, ये तो मेरा फील हो गया। बट जो लोग सोचते कि नहीं जी, पैसे साढ़े बच्चे रहने, साढ़े को बैलेंस बहुत रहे, तो आप हल्दी की गांठ रखो जी, ठीक है जी। और एक कॉइन मैं और रखती हूँ, चाइनीज कॉइन, ये मिल जाते हैं जी हर जगह, ये भी पॉजिटिविटी के लिए होते हैं। इनका ये ट्री होता है, देखो जी ऐसा, मैं लाइव में आऊँगी तो भी बता दूंगी। देखो जी, ये ऐसे चाइनीज पहले छोटे ब्लैक कलर के मिलते थे, वो भी रखती थी, अभी ये ऐसे वाले मिलते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगी इसका प्राइस चेक करके,
मैं आपको कोरियर भी कर दूंगी। ये चाइनीज वाली शॉप पे मिलते हैं, ये बड़ा साइज का बहुत कम मिलता है, तो एक ये क्वाइन रखना जरूरी, एक हल्दी की गांठ। और तीसरी चीज, आज पर्स के बारे में तीन चीजें बता रही हूँ, तीसरी चीज क्या रखनी है आपको अपने पर्स में, वो छोटे छोटे दाने रखिए, जरूरी नहीं उनको बड़ा बड़ा रखना। इधर गया जी, निकला, देखो जी, देखो जी, इससे आप समझो कि मुझे आपसे कितना प्यार और कितना लगाव है जी। मैं वीडियो में, लाइव में 24 घंटे ना आके भी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कोशिश करती हूँ जब भी मेरा वीडियो जाए या जब भी लाइव जाए तो एक ऐसी चीज़ आपको मिलनी चाहिए जो कि आपका जीवन बदल दे। देखो जी ये चीज़ है क्या, देखो जी इलायची, सॉरी ये दालचीनी और इलायची, ग्रीन वाली इलायची, ये एक दो, ढेर सारे नहीं रखने, एक दो दाने। इससे क्या, एक तो खुशबू आती है बहुत अच्छी, अगर ज़्यादा भी रख लोगे तो भी बहुत खुशबू आएगी। ये भी एक पॉजिटिविटी का कारण होते हैं, ये भी एक आपके पर्स को एनर्जी देते हैं, प्यारी प्यारी खुशबू देते हैं, इसके भी बहुत सारे फायदे होंगे। इसका कुछ डिटेल ज़्यादा मैं नहीं बता सकती, बट ये भी मैंने सुना है कि, और सबसे बड़ी बात कहाँ मैंने सुना था, चलो बताओ कहाँ सुना था, ये वास्तु टिप में ही बताया जाता है कि हमको इलायची और दालचीनी रखनी है, लौंग, सॉरी एक लौंग भी है मिल नहीं रहा चिल्लर में, लौंग, दालचीनी और इलायची। अभी मैं इस वीडियो को चार बार में ही बना सकती थी, पर्स में ये रखना चाहिए, लेकिन एक ही बार मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, इलायची, दालचीनी और हरी इलायची, दालचीनी और क्या, लौंग, ये चीज़ें भी बहुत पवित्र मानी जाती है। अपने पैसों में, लॉकर में, हल्दी की गांठ लॉकर में भी रखिए, पर्स में भी रखिए, इससे पॉजिटिविटी आती है, बरकत आती है, आपके पैसों की कमी नहीं होगी। और आपने ये वीडियो देख लिया, शेयर कर दिया, तो वैसे भी कमी नहीं होने वाली जी, क्योंकि पुण्य कमाना ना है ना, पुण्य कमाना चाहते हैं ना जी आप लोग, तो पुण्य कैसे मिलेगा, मैं हमेशा लाइव में बताती हूँ ना कि आपको दुआएं कमानी है। तो ये वाला मेरा पैसों का वीडियो, पर्स को कैसे रखना है, ये आपको शेयर करना है, शेयर नहीं करेंगे तो फिर आप, अब मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकती कि आप हट जाए, लेकिन मैं बोलूँगी प्यार से, दिल से कोशिश करके शेयर करना है जरूर, ठीक है जी। तो पर्स को कैसे रखना मैंने बता दिया आपको, आपको कुछ पता तो मुझे बताइएगा। पर्स हमेशा साफ सुथरा, खाली, नीट एंड क्लीन, और रोज, और पर्स को सीधे नोट रखने हैं, सीधे, कोई टेढ़े मेढ़े गोल मटोल ऐसे फेंके होते हैं वो नहीं, अगर रख भी दिए जल्दी में, लेकिन सुबह उसको ठीक कीजिए। मैं हमेशा सुबह उठ के अपने पर्स को जरूर ठीक करती हूँ, कागज हटाती हूँ, क्लीन करती हूँ, हो सके तो थोड़ी खुशबू भी मार के रखिए। तो पर्स ऐसी चीज़ है, एनर्जी है जी, ये एनर्जी होती है शुक्र, तो शुक्र को प्यार से रखना है। शुक्र जो होते हैं, शुक्र ग्रह, वो पैसा देते हैं, तो शुक्र ग्रह को पसंद है जी खुशबू, सेंट, प्यार। आइए मैं बताइए, तो आप भूल गई जी, क्या मैं बताई जी आपको, कि ये मैंने कहाँ सुना था, एक रेखा जी अपनी जो स्टार है उनका वीडियो मैंने सुना था, तो उन्होंने बोला था कि हमारी माँ हमको जब पैसे देती थी ना, उनके पैसों में से रुमाल, जब वो गुत्थी पहले रखते थे तो वो निकालती थी, तो उसके पर्स में से लौंग, इलायची, दालचीनी की खुशबुएं पैसे मारती थी, वो हमेशा पड़ा रहता था, पर्स में खुशबू आ जाती है। तो मैंने उनका भी सुना था, मुझे पता भी है, मेरी डॉटर भी बताती है, क्योंकि श्रीजय वास्तु कंसल्ट, वो ये सब चीज़ें लोगों को बताती है, उसका काम ही यही है। तो मुझे आज यार याद आया, तबीयत ठीक नहीं, मैंने कहा चलो बैठे बैठे खाना नहीं बना सकती, तो आप लोग मेरे इन वीडियो को प्यार किया कीजिए, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर थोड़े थोड़े खाने के वीडियो कम भी आते हैं तो डोंट वरी, कुछ ना कुछ तो मैं आपको प्यार से ऐसा समझाऊंगी जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाने वाली है, आपकी ज़िंदगी में खुशियां आएंगी। तो चलो जी, आप आज आपको मेरे पर्स के बारे में मैंने बताया, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। और सोफिया जी, आपका पर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंजू जी, कविता महाजन जी, सचिन जी, जो लोग भी, जिनके मुझे नाम रटे हुए हैं, जो लोग आते हैं, आशा जी और शिवानी जी, जितने लोग भी आते हैं, मैं इतने नाम याद नहीं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहती हूँ जो लोग भी वीडियो देखो, वीडियो को शेयर जरूर करो, ये कंपलसरी, अच्छी बात दिखती है, सुनने को मिलती है, तो उन्हें शेयर जरूर कीजिए, करना चाहिए, ये एटिकेट है, ये मैनर्स है जी, कि हमने अच्छी बात सुनी है, हमको दूसरों को भी बतानी है। आप ये करके देखो, फिर आपके पर्स में देखो कैसे पैसे ही पैसे रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू जी, बाय बाय।